नमस्कार, अजय केडिया का आप सबको नमस्कार। आज के सेशन में हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में एक नई कमोडिटी देखेंगे एग्री के अंदर, जिसने पिछले 15 दिन में काफी अच्छी तेजी के बाद आज एक डाउनसाइड ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो जनरली हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में देखते हैं कुछ इंडिकेटर्स टेक्निकल चार्ट पे, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कुछ अगर ब्रेकआउट है चार्ट पे तो उसका हम एक फायदा उठा सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज की कमोडिटी है धनिया। धनिया में हमने इनफैक्ट अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो करीबन 13% से ज्यादा की तेजी हमने ऑलरेडी धनिया के प्राइसेस में आते हुए देख चुके हैं। अगर ओवरऑल देखें तो टेक्निकल इंडिकेटर सभी आपको एक पॉजिटिव दिखाएंगे, चाहे एसएमए की बात करें चाहे ईएमए की बात करें। और जिस ढंग से हमने फंडामेंटल में तेजी आते हुए देखी कि इस बार सोइंग में काफी भारी गिरावट है, और यही प्राइसेस में हमने करीबन 6200 से 7200 का हमने टारगेट रखा था मार्च महीने में, और वही एग्जैक्टली हमने देखा कि 72 के आसपास का भाव दिखाने के बाद आज चार्ट के ऊपर एक पैटर्न ब्रेकआउट दिखा रहा है। उसकी वजह से हमें लगता है कि इस पे सेल करके चलना चाहिए। तो हमारा आज का जो लेवल था वो था 7160 का, और जिस ढंग से पिछले क्लोजिंग सेशन में हमने देखा अच्छे वॉल्यूम के साथ ये लेवल तोड़ चुका है, तो हमें लगता है कि अगले 2-3 सेशन के लिए धनिया में बेचना चाहिए। मई वायदा 7160 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 7320 का। इमीडिएट टारगेट जो दिखाई देता है वो 6920, और अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है तो 6750 तक दिखाता है। ये बिल्कुल टेक्निकल इंडिकेशन पे है, जबकि फंडामेंटल में अभी भी हम तेजी देख सकते हैं। बट जिस ढंग से हमने पिछले 1 महीने में 13% की तेजी देखी है, तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि 300-400 पॉइंट की गिरावट जरूरी है मार्केट में, जो आगे जाके तेजी का रुख फिर से ले सकता है। तो बिल्कुल हफ्ता 15 दिन के आउटलुक में हमें लगता है कि धनिया में एक गिरावट का रुख रह सकता है, जो नीचे में 6750 से 6800 का भी लेवल दिखा सकता है, अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू और सक्सेसफुल रहता है। तो चार्ट के जुबानी अगर हम देखें, चार्ट के द्वारा अगर हम देखें तो प्राइजेस में हमने ऑलमोस्ट जो 13% की तेजी देखी 1 महीने में, तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक 7200-300 की रेंज में मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंट लिया है। और पिछले 3-4 सेशन में हमने देखा कि प्राइसेस में कंसोलिडेशन आ चुका है, और आज जिस ढंग से 7160 का लेवल तोड़ा है वॉल्यूम के साथ, वो एक अच्छा खासा इंडिकेटर है कि प्राइसेस में गिरावट का रूप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैग्डी में भी हमने एक ना रोल ओवर होते हुए देखा है, साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी हमने एक हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं। हम जनरली देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर एक हायर लेवल्स पे आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। साथ में हमने वॉल्यूम में देखा है जो इजाफा हुआ था वहां से हमने देखा कि वॉल्यूम में ड्रॉप आना चालू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेटर है, जिन्होंने भी बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी अब यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो टेक्निकली 7160 का जो लेवल था ब्रिज कर चुका है, हमें लगता है यहाँ पे बेच के चलना चाहिए। 6920 का पहला टारगेट और 6750 तक का एक ऑप्टिमाइज टारगेट मिल सकता है, जबकि फंडामेंटल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अभी भी तेज है, बट मार्केट एक वन साइडेड तेजी होने की वजह से हमें लगता है एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देना जरूरी है। आइए अब सीजनलिटी के हिसाब से हम देखते हैं कि धनिया का आउटलुक कैसा रहेगा। जी ढंग से मार्च में हमने कहा था कि 2011 से अगर देखा जाए तो एवरेज 6% की तेजी रहती ही रहती है, नो डाउट। 2018 में हमने गिरावट देखा था, बट ओवरऑल 2013 से हमेशा हमने प्राइजेस में तेजी ही देखी है, और इस बार फंडामेंटल भी काफी बुलिश थे, इसलिए 6200 से हमने करीबन 6650 का लेवल मार्च महीने में ही आते हुए देखा, और अप्रैल में हमने ये लेवल 7200 तक का भी लेवल पहुंचते हुए देखा। अगर सीजनलिटी की अगर बात की जाए तो अप्रैल महीना काफी मिक्स रहा है, और पिछले 2 साल से अप्रैल महीने में हमेशा गिरावट का रुख धनिया के प्राइजेस में रहा है, और जिस ढंग से हमने मार्च में 13% की तेजी देखी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अप्रैल महीने में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि सीजनलिटी ये भी बताता है कि मई मंथ में एवरेज 4% से ज्यादा की गिरावट आती है। तो हमें लगता है कि जो रैली हमने एक्सपेक्ट की थी 6200 रुपये से, वो 7200 रुपये की रैली दिखा चुका है। मार्केट में एक बार जरूर करेक्शन आएगा, फिर फंडामेंटल देखकर मार्केट फिर से तेजी का रुख ले सकता है। तो हमारी सलाह रहेगी जिन दर्शकों ने हमारी रिपोर्ट देखकर 6200 रुपये बाइंग की थी धनिया में, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और 6750-6800 का लेवल के लिए वेट करना चाहिए। धन्यवाद।